दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप Redmi Note 4, MI Note 4 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, या आपका कोई भी MI या Redmi का मोबाइल हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली सीख जाएंगे किस तरीके से आप Redmi Note 4 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप भी Redmi Note 4 MI मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, तो ये कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में Redmi Note 4 है। अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि आप लोग कैसे अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा जिस पर लिखा होता होगा स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो कैसे करेंगे दूसरा तरीका बताऊंगा आपके लिए, पहले समझ लीजिए। जहाँ भी आपको आपके मोबाइल में एप्लीकेशन देखने को मिल रहा हो जिस पर लिखा हो स्क्रीन रिकॉर्डर, उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे नीचे एक कैमरे का आइकॉन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा। अब इसे दबा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन की करना इसने चालू कर दी है। अब जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ से तो ये स्टॉप हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है। मैं कहला आपको दिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा दूसरा तरीका आपके लिए। देखिए प्ले करते हैं इसको अपन। ध्यान दीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन की करना इसने चालू कर दी है। अब जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ से तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके में ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पर भी आपके मोबाइल में, वैसे तो होगा, और नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। सिंपल ध्यान दीजिए, जब भी आप Redmi Note 4 मोबाइल को ऐसे ऊपर से ऐसे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेटवर्क, वाईफाई, टॉर्च वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, इसको आप स्लाइड करेंगे कहीं ना कहीं आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक कीजिएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा आपका कहीं ना कहीं स्क्रीन रिकॉर्डर होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई नीचे आएंगे आप, तो जैसे मान लीजिए कि ये इस पर लिखा हुआ है स्कैन एंड पे, तो मान लीजिए कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। सिंपल से टच कीजिएगा और टच करने के बाद इसको ऊपर रख दीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्कैन पे का बता दिया है। इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका नहीं दिख रहा है तो ऊपर ला सकते हैं। ऊपर लाने के बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, बताऊँगा ये है अपना, इस पर एक बार टच करना है आपको। जब टच करेंगे और आप इसको दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक करना से चालू कर दी है। इस तरीके से आपने इसको बंद करने के लिए आप दबा दीजिएगा, ये बंद हो जाएगी। ये देखिए सेव हो चुकी है, चला दिखाऊंगा आपके लिए। ये देखिए टच करेंगे और आप इसको दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक करना चालू कर दी है। इस तरीके से आपने इसको बंद करने के लिए आप दबा दीजिएगा। दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी तरीके से आप अपने MI Note 4 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वॉइस वगैरह नहीं आ रही, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ी आसानी से आप लोग अपने मोबाइल की MI Note 4 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से आप Redmi Note 4 मोबाइल में Redmi Note 4 मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं आप संजय का निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आप सबने इस वीडियो में। जय माता दी।